ताश कैसे होगा, महफिल के इस रंग का मिजाज कैसा है, महफिल के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन आपकी ताली के ये एहसास कैसे होगा। शुक्रिया दोस्तों। तो आज की हमारी शाम इल से फिल्म तक में आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत है। आज की हमारी साजों, सुरों और आवाजों की संगीत भरी रंगीन शाम में आप सभी आए हैं यहाँ और हम सबको फिर से ये प्रस्तुत करने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए फिर से धन्यवाद कहूँगी। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इल्म से फिल्म तक का जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया गया है वो यह, ये उसकी वजह एक तो ये है कि आप सभी को नए नए गीतों से, पुरानी गीतों से फिर से नए रूप में उनको प्रस्तुत करके आपको एक एंजॉयमेंट का मौका दिया जाए, आप सभी को नॉस्टैल्जिया के समंदर में फिर से गोते खाने के लिए मजबूर करा जाए। पर साथ ही में ये एक थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कोशिश की गई है कि किस तरह से शास्त्रीय संगीत हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। और इसी वजह से आपको एक स्केलेटन वाइज में समझाऊं तो शुरू में आप सुनेंगे कुछ रागों को और उन्हीं पे बेस्ड रहेंगी हमारी उस्तादों की कॉम्पोजिशंस, जिनको आप 60s, 70s, 80s, 90s के सारे बड़े बड़े उस्ताद जिन्होंने इतनी मधुर कॉम्पोजिशंस हमें दी गए हैं वो सुनेंगे। तो चलिए, आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्राजक्ता सतारडेकर जी को, जो हमारे समक्ष फिर से मुंबई से पधारी हैं। सही मायनों में तो प्राजक्ता को शायद परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी का स्नेह उन्हें बहुत निरंतर मिलता आया है। आज फिर से हम इनसे फिल्म तक की इस शाम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम प्रस्तुत करेंगे राग किरवानी को। राग किरवानी दोस्तों एक चंचल प्रकृति का राग है जिसमें ठुमरी और फिल्म म्यूजिक की कई रचनाएं करी गई हैं। वाद्य संगीत में भी राग किरवानी का बहुत प्रयोग किया गया है और आज हमारे समक्ष खुशी गुप्ता इसकी बंदिश रूपक मध्य ताल में लेकर आप सभी के सामने आ रही है। तो जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों आज के।